हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे के बारे में। तो ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे थे क्वेरी आ रही थी जी पे भी तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्रिटिकल अप्रेजल होता क्या है ठीक है करिकुलम का और इसमें हमने डिस्कस किया है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी के लिए तो ये जिसके भी सब्जेक्ट में है देख लेना क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट में है ये ठीक है तो ये जिसकी भी सब्जेक्ट या सिलेबस में है तो प्लीज ये टॉपिक आप पढ़ लेना तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो देखो तो सबसे पहले हमें मतलब समझना चाहिए क्रिटिकल अप्रेजल क्या होता है क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब होता है सूक्ष्म समीक्षा या मूल्यांकन करना या करिकुलम को इवेल्युएट करना ठीक है तो क्रिटिकल अप्रेजल को सिंपली हम समझ सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन है करिकुलम का कि करिकुलम को हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि सब कुछ ऑब्जेक्टिव एंड एम्स के अकॉर्डिंग सब कुछ सही चल रहा है या नहीं ठीक है तो इसमें बेसिकली हम क्या इवेल्युएट करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट है या आउटपुट एस्पेक्ट जो भी आया करिकुलम का वो एज पर रिक्वायरमेंट है या नहीं है अगर है तो बहुत अच्छी बात है अगर आउटकम या आउटपुट जो भी हमने आइडियलाइज किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है इट्स मीन की वी हैव टू चेंज और मॉडिफाई द करिकुलम एज पर न्यू नीड्स यस ओल्ड नीड बट वी हैव टू चेंज द प्रोसेस टू गेट द प्रोडक्ट है ना अगर प्रोडक्ट अच्छे से नहीं मिला है हमें तो हमें प्रोसेस बदलने की जरूरत है इसीलिए हम क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं टाइम टू टाइम ताकि हमें करिकुलम में जो भी दिक्कतें हैं उसका पता लग सके तो यहाँ पे जो भी सी के अकॉर्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ये यह पी आप प्लीज जरूर जाके पढ़ लेना ये है सेकेंडरी स्कूल करिकुलम के लिए और ये है सीनियर सेकेंडरी स्कूल करिकुलम के लिए तो मैंने दोनों का ही लिंक आ, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो आप प्लीज और ज्यादा अच्छे से इसको जाके पढ़ लेना अब यहां पे तो यहां पे हम देखते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी के भी सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्टिव होते हैं डजन मैटर तो हमें इसके एम्स क्या है कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए तैयार करना है कोर्गनेटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एक्सीलेंस हासिल करनी है सेल्फ अवेयरनेस हासिल करना है और जो भी इन पोटेंशियल है बच्चों का उनको और ज्यादा एक्सप्लोर करना है जो भी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की लर्निंग है लिटरेसी है और लाइफ स्किल है उनको इम्बाइब करना है ठीक है ये सभी लिखा है सी के ऑब्जेक्टिव में जो कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है देन है फिफ्थ में प्रमोट गोल सेटिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये हासिल हो प्रोमोट आर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग कि जिसमें आर्ट्स के लिए बच्चों को पता हो कि आर्ट्स क्या होता है क्रिएटिविटी क्या होती है उन सभी के बारे में नाइन पॉइंट है कि प्रोमोट फिजिकल फिटनेस हेल्थ एंड वेलबिंग ये भी ऑब्जेक्टिव है एक्वायर द एबिलिटी टू यूटिलाइज टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड देन है इलेवेंथ में स्ट्रेंथन नॉलेज एंड एटीट्यूड रिलेटेड टू लाइवलीहुड स्किल मतलब वोकेशनल स्किल्स को और ज्यादा कैसे अच्छा किया जाए ट्वेल्थ है डेवलप द एबिलिटी टू अप्रिसिएट आर्ट एंड सो केस टैलेंट देखो ऑब्जेक्टिव पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे ही डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं जब हम इवेल्युएट करेंगे तो हमें करिकुलम के बारे में बहुत अच्छा अच्छे से पता होना चाहिए पर्टिकुलर क्लास का तो जब हमें ऑब्जेक्टिव्स पता होंगे इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे हम इवेलुएट करेंगे या क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ठीक है थीके? तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना बहुत जरूरी है इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं आपको देन और क्या है सीनियर सेकेंडरी के लिए क्या कहा गया है सीनियर सेकेंडरी के लिए कहा गया है सीबीएसई के द्वारा इसमें भी क्या है अचीव डिजायर्ड नेशनल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज इन कॉग्नेटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स होनी चाहिए वही जो हमने पहले पढ़ी थी जो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी है देन है अवेयरनेस थ्रो थीमेटिक और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो प्रोमोट कॉपरेटिव लर्निंग हो कॉलेबरेटिव लर्निंग हो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो ठीक है ये सभी चीज़ें होनी चाहिए और टू फैसिलिटेट रियलाइजेशन ऑफ लर्निंग आउटकम दैन है प्रोमोट ऑथेंटिक असेसमेंट बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड टास्क कि मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग काइंड ऑफ अप्रोच वो भी होनी चाहिए कि किस तरह से अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकें देन है लाइफ स्किल इनकलकेट वैल्यूज फोस्टर कल्चरल लर्निंग एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ये भी जरूरी है ताकि एक इंटर डिपेंडेंट सोसाइटी बन सके यह है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव सी बी एस ई के द्वारा देन है एक्वायर द एबिलिटी टू यूटिलाइज टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड स्ट्रेंथ नॉलेज एंड एटीट्यूड रिलेटेड टू लाइवलीहुड स्किल इसका मतलब है कि वोकेशनल स्किल्स को और ज्यादा अच्छा करना ठीक है ताकि ब्रेड एंड बटर का इंतजाम हो सके और है इसमें एट पॉइंट की आर्ट को एप्रिसिएट करें और अपना टैलेंट भी शोकेस करें तो इसीलिए स्कूल में स्कोलस्टिक एंड को स्कोलेटिक एक्टिविटीज होती है या करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज होती है प्रोट फिजिकल फिटनेस हेल्थ एंड वेलबींग होना भी जरूरी है तो ये थे ऑब्जेक्टिव अब इनके बेस पे क्रिटिकल अप्रेजल क्या क्या होगा है ना क्रिटिकल अप्रेजल हमेशा होता है ऑब्जेक्टिव के बेस पे तो यहाँ पे सीनियर सीनियर एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन दोनों का ही इसी में मैंने इंक्लूड किया है तो यहाँ पे आप इंक्लूड कर लेना मैं भूल गया हूँ आई थिंक थी। ठीक है तो यहां पे सीनियर के लिए भी है सबसे पहले क्या है कि जो भी कंटेंट सेलेक्शन है वो पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग है या नहीं है उसको चेक करना देन जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग वो अच्छे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसको चेक करना उसका क्रिटिकल अप्रेजल करना जो भी लर्निंग एंगेजमेंट है उसका मोड क्या है वो अच्छे से हो रहा है पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग या नहीं उसको चेक करना टेक्स्ट बुक की क्वालिटी कैसी है उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना क्योंकि टाइम एक एक टाइम के बाद सब कुछ मॉडिफाई करना चेंज करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि समय की जो टाइम की नीड है वो बदल जाती है देन है जो भी लाइब्रेरीज हैं लेबोरेटरीज हैं वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हैं या नहीं हैं उनको चेक करना उनका अप्रेजल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चेक करना कि वो पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग है या नहीं है जो भी प्रैक्टिकल वर्क करवाया जा रहा है अलग अलग सब्जेक्ट में पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको भी चेक करना उसका भी अप्रेजल करना देन है एडमिनिस्ट्रेशन की भी एफिशेंसी देखना कि एडमिनिस्ट्रेशन कितने अच्छे से काम कर रहा है है ना सभी चीजें मैनेज uh, कर रहा है या नहीं कर रहा है मतलब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर uh, को देख रहा है या स्कूल की को, कोई भी रिक्वायरमेंट है उसको देख रहा है तो उस चीज में एडमिनिस्ट्रेशन की भी एफिशिएंसी चेक करना कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही मतलब बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करने के बाद या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करने के बाद उनमें कोई क्षमता या कॉम्पिटेंसी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही उसको भी चेक करना ये चेक करना कि लेसन और यूनिट प्लानिंग उसमें पैरागॉजिकल स्किल टीचिंग मेथडोलॉजी अच्छे से यूज हो रही है या नहीं हो रही है उसको चेकआउट करना उसका क्रिटिकल अप्रेजल करना देन ओवरऑल क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्या है या स्कूल का एनवायरनमेंट क्या है उसको अच्छे से चेक करना ये भी जरूरी है देन है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स आ रही हैं या नहीं आ रही इसमें क्या आता है लर्निंग स्किल लिटरेसी स्किल एंड लाइफ स्किल ये सभी डेवलप हो रही हैं या नहीं क्योंकि आजकल ये सभी चीजें होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है देन है टाइम अलर्ट अलॉटमेंट पूरे साल का क्या टाइम है स्कूल में क्या टाइम है ना इन सभी को अच्छे से चेक करना टाइम टेबल अच्छे से बन रहा है नहीं बन रहा कोई टाइम का वेस्टेज तो नहीं हो रहा इन सभी को अच्छे से चेक करना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के मतलब या तो हिंदी होगी या तो इंग्लिश होगी या अगर हिंदी इंग्लिश नहीं है तो वहां पे भी मदर टंग का यूज होगा ठीक है देन है जो भी स्कॉलेस्टिक और को स्कोलेटिक एरिया है उन सभी का एसेसमेंट करना पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग है टीचिंग प्रैक्टिस अच्छे से यूज हो रही है नहीं हो रही है टीचर अच्छे से जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है पेडागॉजी कैसी यूज कर रहा है मेथड एंड स्ट्रेटजी कैसी यूज कर रहा है ताकि वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को टॉपिक को बच्चों को समझा पाए डिफरेंट लेवल्स पे देन है आईसीटी टूल्स का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है एज पर ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी लर्निंग ठीक है राइटिंग के लिए सॉरी यार तो इन सभी बेस पे हम क्रिटिकल अप्रेजल कर लेते हैं एक सिंपल सी बात याद रखना कि जो भी क्रिटिकल अप्रेजल होता है वो ऑब्जेक्टिव के बेस पे भी ही होता है कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं करिकुलम में क्या क्या चीजें लिखी हैं जो भी चीजें लिखी हैं उन्हीं के बेस पे हम चेक करेंगे कि वो हुई हैं या नहीं हुई है ठीक है हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं हुई हैं देन उसमें चेंजेस की जरूरत है समझ गए आप तो इसीलिए सेकेंडरी एजुकेशन का करिकुलम पता होना चाहिए और सीनियर सेकेंडरी का करिकुलम पता होना चाहिए या, या आप जिस भी करिकुलम का क्रिटिकल अप्रेजल करना चाहते हो उसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए तभी आप बता पाओगे कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है देन यहाँ से आप प्लीज पढ़ लेना ये है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए करिकुलम उनमें सभी बातें लिखी गई हैं कि स्कॉलिस्टिक एरिया में क्या क्या सब्जेक्ट हैं को एरिया में क्या है और ये है सीनियर सेकेंडरी करिकुलम तो ये सी के द्वारा है और सी के द्वारा ही स्टेट ही, जो भी बोर्ड हैं वो ही वो भी उसी के बेस पे ऑब्जेक्टिव बनाते तो इनको अच्छे से पढ़ लेना ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही था आई होप आपको अच्छे से मदद मिली होगी आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में है क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिलदन बाबा आई टेक केयर